देश के संघीय रूप से आयोजित अनाज का स्टॉक गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है, जो करीब देश के 800 मिलियन लोगों को सब्सिडी वाले अनाज की सप्लाई करता है। इसका कारण है कि देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश ने सर्दियों में बोई गई गेहूं और गर्मियों में बोई जाने वाली चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है, जिससे खुदरा खाद्य कीमतें 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के अनुसार दो स्टेपल का कुल स्टॉक 1 अक्टूबर को 51.14 मिलियन टन और अनिवार्य बफर मानदंड 30.77 मिलियन टन के रणनीतिक आरक्षित भंडार से लगभग 66% अधिक था, जिसे सरकार को वर्ष के इस समय के लिए बनाए रखना आवश्यक है। वहीं चावल का स्टॉक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिलहाल पर्याप्त है, लेकिन गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर आ पहुंचा है, मुख्यतः क्योंकि सरकार अपने लक्ष्य का लगभग आधा ही खरीद कर सकी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उच्च निर्यात मांग के कारण किसान गेहूं निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में एक लंबे समय तक गर्मी की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हो गया, जिससे सरकार ने मई में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि देश में सप्लाई कम हो गई थी। सरकार ने पिछले महीने विदेशी चावल शिपमेंट पर भी 20% का निर्यात शुल्क लगाया और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए टूटे हुए चावल के शिपमेंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल अनाज के कम राज्य के स्वामित्व वाले भंडार सरकार के खाद्य प्रबंधन कार्यों को खाद्य वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने और कीमतों को उच्च रखने के लिए कड़ा करेंगे। भारत की उपभोक्ता महंगाई दर सितंबर में वार्षिक आधार पर 5 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.41% पर पहुंच गई, जो पिछले महीने 7% की वृद्धि की तुलना में आरबीआई के लिए 4 से 6% के लक्ष्य को तोड़ती है। खुदरा कीमतों में उछाल सितंबर में खाद्य कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि से प्रेरित था। ठीक पिछले महीने की तरह अनाज, दालें, सब्जियां, दूध और दूध उत्पादों में वृद्धि का रुझान बना रहा। वहीं आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से अनाज की कीमतों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता दिखाई दे सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा है कि सितंबर में खाद्य महंगाई दर 22 महीने के उच्चतम स्तर पर 8.4% पर पहुंच गई है, जिससे कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया जटिल हो गई है। वहीं सब्जियों की कीमतों पर बारिश का मौसमी प्रभाव अब स्पष्ट हो जाएगा। आगे जाकर देश के विभिन्न हिस्सों में अनाज उत्पादक राज्यों में 700% तक की बेमौसम बारिश अनाज और सब्जियों की कीमतों पर प्रभाव डाल सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से गरीब परिवारों को अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे अपने मासिक बजट का अधिक अनुपात स्टेपल, दूध, सब्जी और प्रोटीन वस्तुओं पर खर्च करते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को गेहूं का स्टॉक 22.7 मिलियन टन था, जो 3 महीने के परिचालन स्टॉक की न्यूनतम सीमा और वर्ष के इस समय के लिए 20.5 मिलियन टन के रणनीतिक भंडार से थोड़ा ऊपर था। 1 अक्टूबर को चावल का स्टॉक 20.47 मिलियन टन और बिना पिसाई वाले धान का 11.83 मिलियन टन आंका गया है, जो कि पिछले वर्ष 25.33 मिलियन टन था और 14.07 मिलियन टन की तुलना से कम था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।